दौरान तीनों आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, अंबिकापुर में डायरिया का कहर लगातार जारी है। डायरिया से फिर दो लोगों की मौत हुई है। गांव में डायरिया ने कुल चार लोगों की जिंदगी निगल ली है और लगातार डायरिया का प्रकोप जारी है। कलेश्वर और विमला जांगड़े की मौत हुई है, जो अभी दो मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त डायरिया का प्रकोप अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है। तो डायरिया से फिर दो लोगों की जान गई है, कुल मिलाकर अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है डायरिया से। तो गांव में डायरिया से चार लोगों की जान जा चुकी है। कलेश्वर और विमला जांगड़े की अभी डायरिया से मौत हुई है, जो ताजा मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। 13 तारीख से डायरिया का मामला निकला, जिसमें अभी तक 25 मरीज डायरिया के पाए गए, जिसमें से 15 मरीज को हम लोग रेफर किए थे। कुछ CHC में थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो जिसमें से चार लोग का डेथ हुआ है। कारण में सर थोड़ा सा गंदगी और एक ही जगह में बहुत घर के बीच में वहीं गाय बांधना और बकरी बांधना, गंदगी करना, मक्खी वगैरह। हम लोगों के द्वारा घर घर में जाके उनको ताज़ा भोजन खाने के लिए और पानी उबाल कर पीने के लिए और हाथ धो के करने के लिए और शौचालय का उपयोग करने के लिए बताया गया। अब जो मौत का आंकड़ा है डायरिया की वजह से, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे लगातार संवाददाता आकाश हमारे साथ अंबिकापुर से बने हुए हैं। आकाश बताएं, इस वक्त जिस तरह से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है डायरिया की वजह से, चूंकि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ना शुरू हो गया है, स्वास्थ्य महकमा का क्या कुछ कहना है और स्वास्थ्य महकमा किस तरह से अभी अलर्ट मोड पर है? जी बिल्कुल, ये 13 अगस्त से ये डायरिया का प्रकोप चूंकि ब्लॉक उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर में फैला हुआ है, इसे लेकर के जिला प्रशासन को जैसे ही डायरिया की जानकारी लगी, उसके बाद तत्काल वहां कलेक्टर भी पहुंचे हुए थे और स्वास्थ्य महकमा का पूरा टीम पहुंचा हुआ था। आज 13 अगस्त से अब तक जो है वहाँ कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग इलाज कर रही है, साथ ही साथ लोगों को जागरूकता फैलाया जा रहा है, क्योंकि डायरिया गंदगी, गंदे पानी और आसपास की गंदगी उससे ज्यादा फैलता है, तो इससे जागरूकता ही फैलाई जा रही है। बात करें मौतों की, तो ये मौत 16 तारीख को दो लोगों की डायरिया से मौत हो गई थी। वहीं 15 लोगों को रेफर जब किया गया था जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तब यहाँ इलाज के दौरान बीते कल फिर से दो लोगों की फिर से मौत हो गई, तो कुल मिलाकर चार लोगों की अब तक डायरिया से मौत हो चुकी है। बहरहाल अब स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर वहाँ इलाज कर रही है, प्लस जागरूकता ही फैलाया जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, चूंकि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी अगर डायरिया के पेशेंट वहां मिल ही रहे हैं तो आखिर क्या कारण है, इससे जांच का विषय है। स्वास्थ्य विभाग को वहां की तमाम चीजों पर जांच करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में डायरिया के जो मरीज हैं वो कम वहां मिले, अब ना मिलना ही बंद हो जाए, ऐसा इस ओर ध्यान लेने के लिए स्वास्थ्य महकमा भी अपने कमर कस लिया है। वहां अब BMO की भी तैनाती कर दी गई है और लगातार रोजाना वहां BMO भी बैठ रहे हैं उस कैंप में। जी, ऐसे में अगर आकाश बात की जाए, डायरिया का प्रकोप जो बढ़ना शुरू हुआ है, उसकी रोकथाम के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, चूंकि 13 अगस्त का से ही वहां स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, वहां ब्लीचिंग पाउडर जहां भी गंदे नालियां हो चाहे कुछ, वहां ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव किए जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि आपके आसपास जहां जहां घर है वहां कीचड़ ना फैलाएं, वहां गंदगी, चूंकि बरसात के मौसम में अधिकांश जगहों पर स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां कीचड़ हो जाते हैं, तमाम तरीके के कीड़े उपजने लग जाते हैं, मच्छर की पैदाइश हो जाती है। सारी चीजों को, साफ सफाई को लेकर की जागरूकता फैलाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है जिला CMHO के द्वारा। जी
चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।